हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर एस चैनल। तो भाई लोग, आज फिर से खेलेंगे फार्म सिमुलेटर 19। और आज की इस वीडियो में भाई हम करेंगे जेसीबी से काम और अपने इंडियन ट्रैक्टर के साथ। तो आपकी डिमांड आ रही थी भाई, आप जेसीबी के साथ काम करो, तो मैंने सोचा फिर चलो यार एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि पहले भी आप हम इस पर काम कर रहे थे पर बीच में छोड़ दी। तो कहीं कहीं काम पड़ता है भाई, कभी कभी नहीं पड़ता। तो आज हम जेसीबी से भाई एक बंदे के घर में जाएंगे, मिट्टी उठाएंगे भाई, उसने काम वगैरह करवाना है तो मिट्टी भाई उसके मैदान में पड़ी है तो उठानी है भाई, ठीक है? तो ये मेरा ऑफिस है भाई, आपको पता ही है शायद, ना पता हो, मैंने बताया नहीं था। तो ये मेरा ऑफिस है भाई, बता देता हूँ। और लैपटॉप पड़ा है, कंप्यूटर भाई सब कुछ पड़ा है यहाँ पर भाई। कंस्ट्रक्शन का जो भी ऑर्डर वगैरह था, मैंने भाई अपनी एजेंसी खोली है। जिस बंदे को भी भाई कुछ घर से माल फकवाना भाई, कंस्ट्रक्शन का काम कोई भी हो भाई, पब्लिक वर्क हो, घर का काम भाई, सीमेंट वगैरह, तो सभी ये ऑर्डर यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है? और फ़ोन आने पर भाई उसकी लोकेशन पे और मशीनें लेके जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही भाई आज फ़ोन आया था बंदे का सुबह सुबह, तो बोला था भाई मिट्टी हटवानी है। तो काम के हिसाब से भाई पैसे लेते हैं, आपको पता है। तो ये अपना ऑफिस आप देख सकते हैं। और यार भाई अपना दूसरा चैनल बन चुका है, जाओ यार उसको भी सब्सक्राइब करो, वहाँ पर भी गेम प्ले बनाएंगे। तो आपको मैं ज़रा अपना ऑफिस दिखा दूँ भाई, देखो क्या बुक्स वगैरह मेरी पड़ी हैं भाई, चाय वगैरह, वाटर कूलर, यहाँ सब, फैन वगैरह, लैपटॉप भी पड़ा भाई सामने, कंप्यूटर पड़ा अपना। एक मिनट यार, कहाँ गया बंदा, सामने से देखते हैं, ठीक है? तो एसी वगैरह भी तक भाई इसमें फिट नहीं करवाया हमने, ठीक है? टेलीफोन पड़ा भाई, ऑर्डर वगैरह यहाँ से आते हैं, और कंप्यूटर पड़ा अपना, और बुक वगैरह ऑफिस में यही है। तो ये मेरा घर है भाई, यही मेरा ऑफिस है और कुछ भी नहीं है। आपको मैं ज़रा दिखा दूँ, तो ये ड्रॉर वगैरह, और ये भाई रोड आ जाता है, ठीक है? कस्टमर वगैरह कई बार भाई घर में भी आ जाते हैं। और यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे पड़े हैं भाई, जो भी सामान कंस्ट्रक्शन का, ठीक है? तो और यहाँ पर किचन है भाई हमारा छोटा सा। और देखो भाई केक पड़ा, अभी तक खाया नहीं, देखो भाई कितना मतलब काम है। और सेब वगैरह पड़ा है यहाँ पे, किचन है यहाँ पे, खाना वगैरह बनता, ठीक है? और टॉयलेट पास में, ये टॉयलेट है। और ये पीछे है भाई अपना पूरा सिस्टम, यहाँ पे सभी सामान है भाई जो कंस्ट्रक्शन का सामान है, ठीक है? अभी सबसे पहले तो भाई वर्दी को डाल लेते हैं, वर्दी क्या है सही, ठीक है? ये हो गया सब कुछ, स्टोर वगैरह, ये भाई बाहर जाने के रास्ता। तो चलते हैं भाई अपने गैरेज में, गैरेज में क्या भाई, स्टोर में। तो अपने भाई ट्रैक्टर वगैरह, ट्रॉली वगैरह, ये ऑर्डर पे है भाई, ऑर्डर पे। यहाँ पे मशीनें नहीं होती मेरे यहाँ पे, बस ये ऑर्डर करना है भाई, यहाँ पे मशीनें पहुँच जाती है। अभी ऑर्डर भाई मुझे ज़रूरत पड़ी थी, तो जेसीबी की ज़रूरत थी और ट्रैक्टर ट्रॉली की, क्योंकि ज़्यादा काम तो है नहीं, ठीक है? चलते हैं अपनी जेसीबी में, तो चलते हैं अभी। एक मिनट भाई, इसका लिफ्ट वगैरह देखना पड़ेगा। तो लोडर का काम है भाई ज़्यादा, आज वो है भी नहीं, लोडर का काम है यार, पास में ही है, कोई दूर में नहीं है, लोडर का काम है। और यार एक और ऑर्डर आ रहा भाई बंदे का, यार खेत में पानी वगैरह लगाते हैं, मिट्टी वगैरह उसमें भी इकट्ठी हुई है, तो उसका भी देखना पड़ेगा। और ये भी है भाई, देखो अभी तो किसका ऑर्डर नहीं है। तो ये सभी मैप में भाई सब काम है जो जेसीपी का ही काम है, कोई फार्मिंग वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है? तो ये है भाई एक नदी, इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा भर चुकी है, इसको भी भाई टाइम निकाल के बाहर निकालना पड़ेगा। देखो भाई मिट्टी, देखो यार पानी भाई बिल्कुल ख़राब हो गया यार इससे। तो ये बंदे का घर आ गया भाई, इसने काम लगाया है लेंटर वगैरह का। तो ये है बंदे का घर, ठीक है? ये इसने घर वगैरह बनाना, मशीनें लगाई हैं। जो मिट्टी है जो एक्स्ट्रा बच गई थी, तो भाई बोला निकालो, तो ऐसे तो भाई ये अकेला आदमी उसके साथ निकाल भी नहीं पाएगा, तो मशीन की जरूरत थी। और मैंने अपने भाई जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से पैसे ले लेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मशीन को लगा देते हैं। और ट्रैक्टर भाई अपना, ये देखो फार्म ट्रैक 60। तो मैंने सोचा भाई इस बार फार्म ट्रैक 60 से ही बनाएंगे वीडियो। 60 60 है क्या भाई? 60 है, सिर्फ 60, क्योंकि हर एक ट्रैक्टर भाई हमने यूज़ कर लिया। अभी फार्म ट्रैक बच गया था अपना, कि सारे मेरे भाई फार्म ट्रैक के भी दीवाने होंगे, तो हमने भाई उनका दिल नहीं तोड़ना। तो ये देख लो फार्म ट्रैक फोर्ड भाई, ये सब एक ही ट्रैक्टर है। तो भी भाई फार्म ट्रैक वालों यार कर दो सब्सक्राइब आप भी। ये आ गया भाई मैदान अपना, अभी बहुत सारा काम है यार अपने को। तो ट्रॉली देखना पड़ेगा भाई, यार जगह कम है ना, तो जेसीबी अंदर चलेगी। अगर जेसी ट्रॉली को अंदर लगाया तो जेसीबी नहीं भाई घूमेगी। एक मिनट मुझे मैदान देखने दो भाई, यहाँ पे मैदान है। अब
जेसीबी का भाई लोडर से पीछे देखना पड़ेगा भाई, ऐसे ही हिसाब का पता नहीं लगेगा। ठीक है, माल भर गया भाई इसमें। अभी यार ट्रॉली का मसला है भाई, ट्रॉली नहीं लगेगी भाई, रोड पे लगानी पड़ेगी यार जेसीबी की। यार क्या बोलूँ भाई, ये रोड पे लगाते हैं बिल्कुल साथ में। ओहो भाई, अपना एक काम रह गया, एक काम रह गया भाई, अभी जाना पड़ेगा। एक मिनट भाई, अपनी एक बहन भी नहीं भाई की हमने, तो वो अभी जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो पुलिस वगैरह देखेगी तो भाई पंगा पड़ जाएगा। स्टोर में जाना पड़ेगा भाई, वहाँ पर ही सामान वगैरह मिलेगा मेरा। तो वो कहाँ गया भाई? ठीक है, यहाँ पे पहले तो भाई मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैंने गाड़ी ऑर्डर करनी है यहाँ पे सामान वगैरह ढोने के लिए यार, और कुछ नहीं। गाड़ी मेरे पास थी पर अभी पता नहीं यार, सेल हो गई मेरे ख्याल से। तो एक गाड़ी थी यार मेरे पास, यहाँ पे होगी गाड़ी, कंस्ट्रक्शन वाली भाई, कंस्ट्रक्शन बोलने नहीं आता मुझे, ये गाड़ी है ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाली मेरे पास थी पर मैं यार सेल कर दी अभी भाई, फिर से बाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। ओ अटैचर भाई भूल गए इसका यार, स्टैंडर्ड है क्या? लगा नहीं भाई, एक मिनट है यार, एक को सेल करना पड़ेगा अभी। दो आ गई भाई, दो तो क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड है। एक मिनट भाई, इसका प्राइस का डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं, अभी पता नहीं लगेगा भाई कौन सी हुक वाली है और कौन सी नहीं। मेरे ख्याल से भाई मैंने हुक वाली ली है, नहीं यार दूसरी। अरे यार भाई सॉरी सॉरी यार, 2 मिनट, 1 मिनट यार। यार ये भी मर्सिडी वैन भी सही है भाई यार, पर यार गेम लैग करती है इसकी गाड़ी की वजह से। यार वैसे चाहिए तो है भाई हमें गाड़ी यार, क्योंकि सामान वगैरह लेके जाना पड़ा। अभी नहीं बोलेंगे इसकी, लग गया ना अटैचर, अटैचर की बहुत ज़रूरत है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी जो हमें चाहिए यार, एक तो चाहिए भाई हमें इसका सामान, अपना क्या नाम है यार, इस तरफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो सभी सामान भाई यहाँ पे मौजूद है, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस मेरी शॉप को ओपन करो। और एक मिनट यार, है क्या यहाँ पे? भी नहीं है बैलेट यार, यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से। या तो यार एक तो यार चीज़ों का पता नहीं भाई कहाँ कहाँ रख देता हूँ मैं। ये तो भाई है, बंदे आ गए। इसमें होगा मेरे ख्याल से यार, लास्ट में देख लेते हैं एक बार, ये तो भाई मुश्किल अपना। नहीं इसी में होगा मुझे लग रहा है भाई, लग भी रहा नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार भाई। यार चेक बहुत टाइम से चेक नहीं किया यार, ये है ब्रेकर वगैरह भाई, यहाँ पे काम वगैरह ये सभी। हाँ आ गए भाई, तो ये हमें भाई, एक मिनट लाइट वाले कर लेते हैं भाई, दो चाहिए हमें ये। ठीक है, और अपने साइड में लगाने के लिए यार है, साइड में लगाने के लिए भाई वो होते हैं यार, कहाँ गए, है क्या नहीं मेरे पास यार, नहीं है इसमें, है पर भाई अभी देखना पड़ेगा यार कहाँ पे है। ये ले लेते हैं यार, एक दो भाई सही है ये। ठीक है, ये आ गए अपने, अब पता नहीं भाई गाड़ी में आएंगे कि नहीं, बाय तो कर लिए। डिग्गी वगैरह खुलती नहीं है क्या इसकी? तो लाइटिंग शाइटिंग लगी है भाई, लोगों को पता लगे बस काम हो रहा अपना। थोड़े पुराने लग रहे हैं भाई, उसने पुराने भेज दिए क्या यार? ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं यार, उसमें गाड़ी नहीं रहे भाई गाड़ी में। तो एक मिनट है भाई, इसको ऊपर ही लोड कर देते हैं गाड़ी के। ठीक है, तो एक दूसरी तरफ कर लेते हैं लोड, भाई दिख नहीं रहा यार कुछ। ओ एक तो भाई बहुत ज़्यादा बड़े हैं यार, गाड़ी छोटी अपनी है, मुझे पता नहीं था यार इतने बड़े होंगे ये। वार्निंग साइन बोलते हैं भाई मेरे ख्याल, वार्निंग साइन।
एक मिनट, फिट है मामला, फिट है भाई। ये रह गए दो यार अभी, और लाइट वाले था ऑर्डर किए थे भाई, ये बिना लाइट वाले आ गए यार। चलो कोई नहीं, अभी यार अभी आ गए तो इसका क्या करें, वापस नहीं। ओ भाई गिर गया यार एक, और दूसरा भी गिर जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा बड़े हैं यार ये तो। पहले इसको लोड कर लेते हैं यार एक मिनट, नहीं तो बाद में भाई इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़े भाई ये, मैं ये तो भाई ट्रक में जाएंगे। एक मिनट इसको सीधा तो करो, हो गए सीधे भाई, मैं बाहर आ गया। क्योंकि इसके बिना यार बंदों को पता नहीं लगेगा भाई काम हो रहा है, और आदमी बेवजह ही भाई परेशान होंगे। ये लगाए आदमी को दूर से पता चल जाएगा भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आदमी कार लेके भी आ जाएंगे यार ऐसे तो। तो ये लगाए अच्छे हैं तो लगाते हैं भाई, आपने देखा ही होगा बड़े बड़े शहरों में भी। अब इनको बांध लेते हैं भाई ताकि गिरे ना, ठीक है। तो सब लोड हो गए भाई ट्रोली गाड़ी में, अभी गिरेंगे नहीं, चाहे जितनी मर्जी गाड़ी भगाओ, गाड़ी चाहे पलट जाए भाई। वेट बहुत ज़्यादा है इनका यार, देखो। ओ ओ ओ भाई गाड़ी सामने यार, हॉर्न बहुत ज़्यादा जबरदस्त है इसका। तो यार एक बड़े हैं ये, बहुत बड़े, इसको ट्रॉली लगानी पड़ेगी भाई, इसलिए मैंने हुक वाली ये बाइक, ये गाड़ी भाई। यार शहर में अगर कहीं गांव में होते ना तो इतनी ज़रूरत नहीं थी इनकी, रिवर्स ही ले चलते हैं। इनकी रिवर्स की लाइट ख़राब हो गई भाई, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे भाई मशीन को स्टार्ट ही रखा हमने, मेरे ख्याल से भाई जितने पैसे उसके बनेंगे हम तेल खड़े खड़े वेस्ट कर देंगे उतना तो। ठीक है ये इसको उतारते हैं, इसको सबसे पहले तो लगाएं यहाँ पे। एक काम करते हैं, ये लगाते हैं यहाँ पे, बंदे को पता चल जाए ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पे। सेट है ना भाई मामला, एक मिनट, सड़क में जगह भी होनी चाहिए थोड़ी सी यार। दो मिनट भाई, एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसको रिवर्स एक सामने की तरफ लगा देता हूँ। और वो लगे भी हैं भाई, किसी ने लगाए भी हैं और काम भी चल रहा है मेरे ख्याल से वहाँ पे। ये देखो भाई, ये सेफ्टी सेफ्टी के लिए ये भी मिट्टी उठानी पड़ेगी यहाँ से। तो मैं ट्रैक्टर का हिसाब देख लेता हूँ भाई, जो ट्रॉली एकदम सामने की तरफ हो। एक मिनट भाई यार, चल सही है, क्योंकि उसके हिसाब से भाई करना पड़ता है जगाड़, ट्रैक्टर निकल भी जाए। और अपना इनको लगाएं यार, अब ये बड़े वाले को लगाते हैं तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे ही। ट्रैक्टर को भाई मोड़ना भी है ना, तो ये भाई जितनी बार कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे ये लगाना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई भी लगा सकते हो। पर ये भाई अपने जो अपने यार लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, कहीं भाई मोटरसाइकिल भी भगा के भगाते हैं लोग, तो उनसे उनको ये पता चल जाता है भाई कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिर धीरे से निकलते हैं यहाँ से। ये एक और रह गया, हम और गाड़ी को साइड में लगाते हैं। ओ भाई गाड़ी भी पलट गई इसके साथ, चलो गाड़ी को कोई नहीं सीधा कर लेंगे। ओ ये क्या, हाँ के चला गया, यहाँ पे नहीं है भाई तेरी जगह, यहाँ पे है जगह। ठीक है भाई, साइड में भी हो गए और सब कुछ सेट है, और गाड़ी पलट गई अपनी, इसको तो कर लेंगे सीधा। ये नहीं होगी सीधी मेरे ख्याल से, फिर क्योंकि मैंने मोड़ हटा दिया इसका, यहाँ पे रेस्ट करते हैं इसको। कहाँ गई गाड़ी अपनी, ये है गाड़ी, तो ये रेस्ट करनी पड़ेगी भाई, सीधी नहीं होगी। और इसको लगाते हैं कहीं ठिकाने में भाई, सड़क के बीच में खड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको हम भाई गली वगैरह है क्या, ये है एक, तो अंदर ही लेके चलते हैं यार ये, यहाँ से कोई दूसरी गाड़ी भी पार्क होनी हो तो पार्किंग ही है यार ये, वैसे लगानी नहीं चाहिए थी हमें यहाँ पे। चलो कोई नहीं यार, लगा देते हैं। लो भाई गाड़ी लग गई, डिग्गी डुग्गी सब बंद है, चलते हैं भाई अपने काम की तरफ। यार खुद जाने की जगह ही नहीं बची, यहाँ से निकलते हैं।
पाइपें साइपें भी हटानी पड़ेगी यहाँ से मुझे लग रहा है। दो भाई मशीन में मिट्टी लोड है, इसको हटाएं यार, उठाएं। ठीक है अभी मामला जो एकदम मस्त है भाई, अभी सही से काम होगा अपना, मामला फिट है अपना अंदर से। भाई देखते हैं इसकी हाइट सही है, डल जाएगा माल। एक मिनट भाई, स्क्रीन शॉट लेनी हमने इस बार, चेता भूल गए भाई, की याद भूल गई। स्पीड बहुत ज़्यादा कम है यार इसकी अनलोडिंग। एक मिनट यार, अभी हो गई फास्ट। यार ये पाइप का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, भाई पीछे जनरेटर है, पता नहीं क्या यार, ये जनरेटर ही है मेरे ख्याल से यहाँ तो, ये मेरी मशीन नहीं है भाई। लोग जो काम करते हैं बिल्डिंग का, भाई मेरा वो काम नहीं है बिल्डिंग वाला, मेरा बस ये रोड का काम है भाई, रोड में खड्डे वगैरह भरना, जो मिस्त्री वगैरह का काम होता है भाई, ये लेंटर वाला काम, तो ये उनकी मशीनें पड़ी हैं यहाँ पे। बस ये है कि भाई उन्होंने खुद मिट्टी यहाँ पर फेंकवाई थी, तो ज़रूरत नहीं अभी मिट्टी की, तो निकलवा रहे हैं वो, जो कि जगह उन्होंने बराबर करनी थी सभी जगह बराबर हो चुकी है, तो ये यहाँ खड्डे में जो मिट्टी पड़ी हुई है यार इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से भाई। ये देखो मिक्सर वाला भी है भाई, पर ये दूसरा है, मिक्सर वाला बोलते हैं भाई। बिकन तो चलाया नहीं भाई हमने, इस पे भी एक रिवर्स लगानी पड़ेगी बीप भाई, लग रहा है मुझे लगानी पड़ेगी। अभी सही है भाई इसका लोडर मैंने यार हटा दिया भाई, दूसरा लग रहा है भाई अभी बाय करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, वो इसका लोडर नहीं भाई ये सामने वाला, ये किसी दूसरी मशीन का है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, इस वजह से टाइम लग रहा है अपना। भाई कितनी हो गई ट्रॉली, अभी तक आधी भी नहीं हुई भाई, टाइम के हिसाब से लेंगे मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लग जाएंगे। और मशीन अपनी 4 सिलेंडर है भाई, लो भाई यहाँ से काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा मुझे लग रहा है। अरे यार एक मिनट, आधी मिट्टी तो भाई हमने हटा दी, इसके भाई लोडर मैंने इसलिए बाय किया ये वाला फ्रंट वाला, क्योंकि इसकी जो है क्या यार कंबाइन अपनी यार जेसीबी पीछे से उठती नहीं है, इस पर भारी है, तो बाहर है जो बेड है जो बैलेंस रहता है इस मशीन का, उसका बेड बहुत ज़्यादा था भाई लोडर का, इस वजह से मैंने उसको बाय नहीं किया यहाँ पे। ठीक है अभी जो बची है भाई इसको उठाते हैं मिट्टी को, तो ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल से 1-2 गेड़े और लगेंगे और मिट्टी जो अपनी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और भाई झोंपड़ी है यार किसी की ये पीछे, यार मशीन में पावर बहुत ज़्यादा है यार, एक बात है भाई जहाँ मर्जी घुसा दो बस एक नंबर पे निकल जाती है मशीन। इसका भाई ये लोटर चलाना सीख गया हूँ, पर अभी जो है पीछे वाला होते हैं भाई उसको चलाना सीख रहा हूँ अभी, उसका हिसाब नहीं आया मुझे अभी तक। ये ओ ओ भाई खड्डा बहुत बड़ा है यहाँ पे यार, तो इसको काम ख़त्म करेंगे और फिर अगला काम देखेंगे यार। ये भी आज ख़त्म नहीं होगा पूरा हमसे भाई, उधर साइड में भी हटानी है मिट्टी, इसकी 2 दिन लग जाएंगे यहाँ पे, तो आपने देखी होगी भाई उसके घर के आसपास भी मिट्टी पड़ी है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली का यहाँ पे खड़ा कर देंगे, ये अगले पार्ट में देखेंगे भाई वो मिट्टी वाली, ये आज हटा लेते हैं।
और किस किस को भाई जेसीबी वाली वीडियो अच्छी लगती है यार, कमेंट में जरूर बताना। अब मैं चाहता था भाई ट्रैक्टर की जगह ट्रक भी यूज़ कर सकता हूँ, पर बीच में भाई इंडियन कुछ रहेगा नहीं, फिर ट्रक का काम जल्दी हो जाता है और ट्रैक्टर का यार मज़ा आता है वैसे चलाने का, ट्रक का कोई मज़ा नहीं आएगा भाई। ओ भाई लोड अनलोडिंग स्पीड यार बहुत कम है इस लोडर की, देखो भाई लोड अनलोड ही नहीं होता है यार। ओ पो तेरे की वेट अभी पीछे बहुत ज़्यादा है यार, पहले आगे आगे से मतलब कि वेट आगे ज़्यादा था, अभी पीछे बहुत ज़्यादा है भाई इसका। मिट्टी यार बहुत ज़्यादा है यार, मैंने सोचा था भाई ख़त्म हो जाएगी जल्दी। ओ ओ उठ गई मशीन। भाई ये तो ट्रॉली को पलटा देगी, भरी ट्रॉली को। तो मेरे ख्याल से ट्रॉली नहीं भरेगी, मिट्टी खत्म हो जाएगी। और बुलडोजर का भी काम है यहाँ पे यार, वो इकट्ठी कर लेगा मिट्टी वगैरह। ये उठाई नहीं भाई इसने मिट्टी। ओ उठ गए भाई, भाई हिसाब हो गया पहले वाला। ट्रैक्टर थोड़ा भाई खिसक गया यार, इसको पीछे करें, ट्रॉली को सड़क में चला गया भाई ये। चलो कोई नहीं, ट्रॉली भी वेट हो गया भाई, अभी हिल नहीं रही है। भाई थोड़ा सा रह गया, 1 मिनट है यार। तो लो भाई मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा अभी ये गेड़े से। मिट्टी बहुत ज़्यादा थी पर देखने में यार कम लग रही थी यहाँ पे। ओ भाई ओ ओ ओ, ओ, ओ। ये क्या हो गया? मैं ऐसे भाई टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर, जितनी ऊपर हो लिफ्ट भाई उतना ज़्यादा टाइम लगता है अनलोड होने में, इस वजह से लिफ्ट को नीचे रखना पड़ता है। ये 50% ट्रॉली भर चुकी है अपनी, 100% भाई मेरे ख्याल से भाई इस पूरे घर से निकल जाएगी मिट्टी, ट्रॉली भर जाएगी। देखते हैं अभी, अभी ये भाई जो खड्डा है यहाँ से मिट्टी नहीं निकलेगी जेसीबी से, इसका लोडर भाई नहीं चलेगा वहाँ पे, वो देख सकते हो सामने की तरफ, वहाँ पे इसका लोडर नहीं चलेगा, तो वहाँ पर बकेट से ही निकालनी पड़ेगी मिट्टी। भाई अपने को इतना आइडिया है नहीं इसके बारे में अभी। तो
तो बकेट के लिए ये मशीन तो भाई मुझे नहीं यूज़ करनी आती है, देखेंगे यार अगर होती है, नहीं तो फिर भाई वहाँ से ऑर्डर करनी पड़ेगी, मशीन मंगवानी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के लिए। देखूँगा भाई उसका साइज। अब ये एक ढेर रह गया यार। तीस परसेंट मिट्टी हो गई भाई। एक मिनट यार, ये उठा नहीं रही यहाँ से। ये लोडर की प्रॉब्लम है भाई, यहाँ से तो सफाया कर दिया। अब वो एक भाई रहता है थोड़ा सा, वहाँ से उठाते हैं। लो भाई मिट्टी कर दी यहाँ से पूरी साफ, तो बाकी जो कल करेंगे अगली उसमें एपिसोड में। और ट्रैक्टर को यहाँ पे लगा लेते हैं क्योंकि ट्रॉली भर के निकालनी है यहाँ से। भाई बारिश का मौसम लग रहा है मुझे, तो मशीन को पीछे करके निकाल लेते हैं क्योंकि अभी खड्डे से मिट्टी निकालनी है, तो ये मशीन से नहीं होगा, तो इसका काम है उस तरफ है, पर अभी इसको लगा लेते हैं। और ट्रैक्टर अपना भाई कहाँ चला गया? भाई फट्टे वगैरह उठा दिए इसने, तो ट्रॉली को हम भाई थोड़ा सही तरीके से लगा दें। ये रहेगी यहाँ पे ही, पर ये भाई थोड़ा सा सही लगाने इसको, तो अभी थोड़ा भाई रास्ता भी खोल देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी तो काम बंद हो गया। तो अभी थोड़ी देर बाद भाई हम लेके आएंगे अपना दूसरा क्रेन, और भाई लोडर भी लाना पड़ेगा। तो आज की भाई वीडियो में इतना ही यार, फिर कैसी लगी वीडियो आज की कमेंट में बताना, और जेसीबी वाली वीडियो कैसी लगती है आपको, तो और बनानी चाहिए कि नहीं ये भी बता देना, नहीं तो फिर भाई हम कंबाइन वाली बनाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं यार भाई जल्दी को नई वीडियो लेके। तब तो जय हिंद, बंदे मातरम।